नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सर्वाइविंग वाइफ। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, अगर किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में उनके पीछे उनके डिपेंडेंट्स, जिसमें से एक मुख्य रूप से, जिसे मैं सेकंड इम्पॉर्टेंट मुखिया बोल सकता हूँ, कि उनकी वाइफ जो अब उस परिवार को आगे संभालने के लिए जिम्मेदारी लेती हैं, और मैं महिला शक्ति का हमेशा से समर्थक रहा हूँ सर, कि महिलाओं ने जहाँ पर भी, जब पर भी, जैसी भी जरूरत रही है, अपनी भूमिका बहुत सार्थक रूप से निभाई है। तो एक महिला सर परिवार की, जिसके ऊपर अचानक इस प्रकार का कोई बोझ आ पड़े, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे कर सकती हैं, या उन्हें अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो में दोस्तों यही बातें आपके समक्ष शेयर करने की कोशिश है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो सामने आएंगे, जिनका सामना उन सर्वाइविंग लेडी को करना पड़ेगा जिनके पति का अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं सर उनके सामने, हाउ टू मैनेज फैमिली फाइनेंसेस, कि फैमिली के फाइनेंसेस का कैसे वो मैनेजमेंट करती हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग, बच्चों की शिक्षा के बारे में, उनकी एजुकेशन प्लानिंग के बारे में वो कैसे अपना प्रबंधन करती हैं, हाउ टू एंश्योर रेगुलर कैश फ्लो, वो महिला कैसे सुनिश्चित करती हैं कि उनके पास में एक रेगुलर कैश फ्लो बना रहे, हाउ टू हैंडल फर्दर इन्वेस्टमेंट्स उनको कैसे करने चाहिए, या उसको करते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हाउ टू मैनेज रियल एस्टेट, अगर उन्हें कोई संपत्ति सक्सेशन में प्राप्त हुई है तो उस महिला को उन संपत्तियों को कैसे मैनेज करना चाहिए, हाउ टू प्लान फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी, क्योंकि भविष्य दोस्तों अनिश्चितताओं से भरा है, तो उन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज का कैसे हम आज एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रूप ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट वेल्थ इनहेरिटेड, जो संपत्तियां आपने एक तरीके से इनहेरिट करी हैं अपने हस्बैंड से, उनको किस प्रकार से आपको प्रोटेक्ट करना है ताकि वो आगे आपके बच्चों तक सेफली जाए या जरूरत पड़ने पर काम आए, और अंतिम पॉइंट इनकम टैक्स कंप्लायंस रिक्वायर्ड इफ एनी, कि उस लेडी को सर अपनी इनकम टैक्स कंप्लायंस भी कैसे सुनिश्चित करनी है। मैं इन सब प्रश्नों का सर अपनी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग से जो मेरा अनुभव है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, और मैं मानता हूं कि ऐसी किसी जरूरत की परिस्थिति में ये वीडियो काम आ सके। तो जैसा दोस्तों मैंने शुरू में कहा कि अगर अनफॉर्चुनेटली परिवार के मुखिया की या परिवार के मेन अर्निंग मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस परिवार की महिला के ऊपर, अगर वो वर्किंग है बहुत अच्छा, अगर किसी परिस्थिति में नॉन वर्किंग है सर, तो भी उन्हें वो जिम्मेदारी आगे लेनी ही पड़ेगी, और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि हाउ टू मैनेज फैमिली फाइनेंसेस, फैमिली के फाइनेंसेस को वो कैसे मैनेज करने वाली हैं। तो जैसा मैं दोस्तों अपनी वीडियोस में कहता भी रहता हूं कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है, और उसी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिहाज से भी ये वीडियो मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश करी कि कहीं ऐसी जरूरत के मौके पर ये वीडियो कोई देख ले तो उन्हें काम आए, कि उस महिला को सर नेचुरली एक रेगुलर इनकम का फ्लो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मंथली खर्चे, ठीक है सर, मेरा बात का बुरा मत मानिएगा, दुनिया है ना, फिर भी चलती रहती है, हमें फिर भी मैनेज करना ही है शो को, शो मस्ट गो ऑन, और जब शो मस्ट गो ऑन देन यू नीड रेगुलर इनकम फ्लो, सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दैट लेडी इज टू एंश्योर रेगुलर इनकम फ्लो। से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव द पेंशन इनकम ऑफ योर हस्बैंड, देन आई कैन से नेचुरली दैट इज अ गुड पॉइंट, पर बहुत सारे केसेस में सर आजकल या तो प्राइवेट सेक्टर में पेंशन है ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आप रेगुलर इनकम फ्लो कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज। अगर पहले से परिवार में कोई लोन ले रखे हैं, होम लोन ले रखा है, गाड़ी का लोन ले रखा है सर, तो उनके ईएमआई का पेमेंट्स कैसे सुनिश्चित किया जा सके उस महिला द्वारा, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस प्रकार से शी वुड बी एबल टू एंश्योर फंड्स फॉर लिविंग कॉस्ट। कुछ अपने प्रैक्टिकल सजेशंस दोस्तों मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि अगर मैं रेगुलर इनकम फ्लो की बात करता हूँ, अगर आपके पास में पेंशन के रूप में कोई रेगुलर इनकम फ्लो है बहुत अच्छा है, मान लीजिए रेगुलर इनकम फ्लो नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की मृत्यु पर उस महिला को कुछ इंश्योरेंस के प्रोसीड्स मिले हैं, तो वो इंश्योरेंस प्रोसीड्स को कहीं ना कहीं हम एफडी के रूप में पार्क करके और उससे एक मंथली इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमारा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रक्रिया शुरू हो कि हमारे पास में रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फंड्स जैसे जैसे जरूरत पड़े आती रहे। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है सर, कि मान लीजिए किसी के पास में, किन्हीं के हस्बैंड की जिनकी मृत्यु हुई,
उनकी फाइनेंशियल व्यवस्था ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं थी, और ऐसी परिस्थिति में उस लेडी के लिए एक रेगुलर इनकम फ्लो बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है कि किन्हीं एसेट से रेगुलर इनकम फ्लो फिर वो शायद बना ही ना पाए, क्योंकि उनको कोई एसेट इस तरीके से एक्वायर्ड ही ना हो। वहां पर मैं कह सकता हूं सर कि नेचुरली एक स्वाभिमानी महिला वहां पर उस परिस्थिति में अपना जो भी कार्य कर सकती हैं उसके थ्रू वो पैसा कमाने का कोशिश करेंगी, और वहां पर वो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आगे एफर्ट कर सकती हैं। तो मेरा जो यहाँ पर इस वीडियो का तात्पर्य है वो ये है सर कि अगर आपके पास में कुछ फंड्स आए हैं तो वो फंड्स जो हस्बैंड की मृत्यु पर उस लेडी के पास आए हैं उन फंड्स को वो कैसे मैनेज करें ताकि फर्दर आगे के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनके लिए एक स्कोप क्रिएट किया जा सके। एक बहुत बड़ा प्रश्न सर जो ऐसी परिस्थिति में सर्वाइविंग वाइफ के लिए आएगा, सर्वाइविंग लेडी के लिए आएगा, क्या हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई आगे चलते रहना, स्मूथली चलते रहना बहुत जरूरी है सर। तो फाइनेंसिंग फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन कैन आइदर बी फ्रॉम द रिसोर्सेज विच यू हैव रिसीव्ड इन इनहेरिटेंस, मे बी फ्रॉम LIC प्रोसीड्स, मे बी एनी पेंशन इनकम, मे बी एनी अदर इनकम लाइक रेंटल इनकम एक्सेट्रा। मान लीजिए उस महिला के पास में वो रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये सजेस्ट कर सकता हूं कि आप बच्चों की हायर एजुकेशन की परिस्थिति में बैंकों के पास पहुंच करके अगर कोई एकेडमिक बढ़िया कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो बैंक एजुकेशन लोन की व्यवस्था भी करते हैं, तो क्यों ना एजुकेशन लोन लिया जाए। एजुकेशन लोन में फॉर्चुनेटली क्या बात रहती है कि बैंक एक मॉरेटोरियम देता है, जब तक वो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, मैं प्रोफेशनल कोर्स की या डिग्री कोर्स की बात कर रहा हूं, तब तक बैंक इंटरेस्ट तो ड्यू करता है पर आपसे मांगता नहीं। जैसे ही एज्यूम करते हैं कि बच्चे का कोर्स पूरा हो जाए, वो इनकम अर्न करने लग जाए, तो वो स्वयं अपनी EMI का भुगतान करना शुरू कर दे। हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि वी मे प्रॉम्प्ट आवर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज या फॉरेन यूनिवर्सिटीज होनहार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि क्यों ना हम बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपनी स्कॉलरशिप के लिए स्वयं व्यवस्था करें अपनी होनहारता दिखा करके, और इस प्रकार से एक बर्डन जो उस महिला पर आया है सर्वाइविंग वुमेन के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके। जैसा मैंने सर पहले कहा, फिर थोड़ा सा और रिपीट करता हूं कि रेगुलर कैश फ्लो बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं एक महिला के पास में। यू मे ऑप्ट फॉर अ मंथली इनकम प्लान, आप एक मंथली इनकम प्लान जिसे हम MIP भी बोलते हैं चूज कर सकती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 25 लाख का फंड है, आपने बैंक में पार्क कर दिया और बैंक को आपने बोला जी कि इस 25 लाख रुपए पर मेरे को एक मंथली इंटरेस्ट पे करते रहिए। तो मान लीजिए 25 लाख रुपए पर साल का आपको 2,40,000 का ब्याज आता है, तो महीने का 20,000 ब्याज बैंक आपको देता रहेगा। दिस विल एंश्योर कि वो 20,000 के ब्याज से आप अपना एक प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट मंथली खर्चों का तो एटलीस्ट कर पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये क्या है सर, ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप अपने 25 लाख के फंड को या उसके किसी हिस्से को एक म्यूचुअल फंड में लगा सकती है। से फॉर एग्जाम्पल, आपने 25 लाख रुपए पूरे म्यूचुअल फंड में लगाए और म्यूचुअल फंड से कहा जी कि मेरे को हर महीने 25,000 रुपए चाहिए ताकि मेरी गुजर बसर चलती रहे। तो जो आपका बाकी का पैसा है वो बाकी का पैसा म्यूचुअल फंड में किसी न किसी रूप में अप्रिशिएट होता रहेगा, जिससे आपका फंड भी बढ़ता रहेगा और आपके मंथली खर्चे 25,000 रुपए के निकल आएंगे। तीसरा मेरा सजेशन है कि यू मे ऑल्सो चूज एन ऑप्शन ऑफ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ FD डैट म्यूचुअल फंड। यानी कुछ पैसा आपने से 25 लाख में से 5 लाख की FD कराई, ठीक है, 10 लाख रुपए के डिवेंचर या बॉन्ड खरीद लिए और बाकी का जो अमाउंट आपके पास 10 लाख है उसके आपने म्यूचुअल फंड लिए। दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कैन हेल्प यू इन मैनेजिंग द रेगुलर कैश फ्लो इन एन एफिशियंट मैनर। हाउएवर, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट जब भी आप इस प्रकार से कोई अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करती हैं तो आपको एक कंसल्टेंट की, चाहे वो चार्टर अकाउंटेंट हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो या टैक्स एडवोकेट हो, उनकी राय अवश्य लेनी चाहिए। आज की डेट में बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लानर्स हैं या कंसल्टेंट हैं जो आपके इस प्रकार के रिक्वायरमेंट की परिस्थिति में एक एफिशिएंट टूल के रूप में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं और क्लैरिटी के साथ आपके सामने, हालांकि मैं रेगुलर इनकम सोर्स की बात कर रहा हूं, साथ ही साथ हाउ टू हैंडल फर्दर इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपके पास में एक रेगुलर इनकम का सोर्स है लेकिन आपकी जो पर्टिकुलर
इनकम जनरेट हो रही है उसको आगे भी इस तरीके से इन्वेस्ट करते रहना है कि रेगुलर इनकम बनी रहे या जब जरूरत हो तब पैसा हमारे काम आए। तो आप इस पर्पजेस से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कर सकती हैं उसका बाइफर्केशन मैं दे सकता हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न। के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप फाइनेंशियल लिटरेसी के रूप में भी जान सकती हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी द मोस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट इज परहैप्स पुटिंग द मनी इन बैंक एफडी और इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन बैंक एफडीज पर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर रिटर्न की दर बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसा मैंने पहले आपको बोला कि आप एक कॉम्बिनेशन पकड़िए जिसमें म्यूचुअल फंड को, डेट फंड को, लिक्विड फंड को और साथ ही साथ एफडीज को एक कॉम्बिनेशन बना करके रखिए, क्योंकि कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड या इवन शेयर मार्केट, अगर आप मार्केट को समझती हैं या आपके कंसल्टेंट ऐसे हैं जो आपको इस प्रकार से गाइड कर सकते हैं, तो आप एक फेयरली रीजनेबल रिटर्न निकाल के एवरेज अपना अच्छा मेंटेन करेंगे तो दैट एवरेज विल हेल्प यू इन एंश्योरिंग योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग इन अ प्रॉपर मैनर। नाउ हाउ टू मैनेज रियल एस्टेट, रियल एस्टेट को कैसे मैनेज करना है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑन रेंट, मान लीजिए आपके पास इनहेरिटेंस में 3 या 4 मकान आ रहे हैं जिसमें से एक मकान में आप रह रही हैं और दो या तीन मकान ऑलरेडी खाली हैं, आप उसे किसी को किराए पे भी देना चाहती हैं लेकिन आपको डर लग रहा है कि मैं किसी को किराए पे दूं कहीं वो कब्जा ना कर ले। इस संदर्भ में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एडवाइस दैट यू मे चूज इन टर्म्स ऑफ गिविंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑन लीज rather than merely doing a rental agreement. See, what is the difference or what is the point in that? जो एक lease agreement होता है वो proper registered lease agreement होता है जिस पर stamp duty paid होती है। Lease agreement के द्वारा दी गई property काफी safe तरीके से दोबारा खाली कराई जा सकती है। बनस्पत एक 500 रुपए के rent agreement पर 11-11 महीने के लिए agreement renew करते रहना, मेरा मानना है वो थोड़ा सा risky proposition है। Realizing sale proceeds and reinvestment thereof. कई बार परिस्थितिवश हमें अपनी existing property भी बेचनी पड़ सकती है just to ensure कि अब मेरे पास fund आए ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं या financial management family का कर सकूं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए अगर आप प्रॉपर्टी बेच रही हैं और उससे कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप इमीडिएटली जब ऐसा प्रॉपर्टी बेचने का विकल्प चुनती हैं उस समय आप किसी चार्टर अकाउंटेंट की राय अवश्य लें ताकि वो रिलेवेंट टैक्सेशन एस्पेक्ट्स पर या फर्दर री इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट्स पर आपको राय दे सके। अब एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, हाउ टू प्लान फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, क्योंकि भविष्य की अनिश्चितताएं अनंत हैं, तो हम उन्हें कैसे सेफली फेस कर सकते हैं या उनके लिए तैयार रह सकते हैं। मेरा सजेशन रहता है यूजुअली कि जब आपको किसी प्रकार का कोई मेडिकल प्रोटेक्शन नहीं है तो यू मस्ट ऑब्टेन अ हेल्थ कवर फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली विच में इंक्लूड इवन क्रिटिकल इलनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो आप किसी इंश्योरेंस एजेंट की सहायता लेकर के एक अच्छा हेल्थ कवर स्वयं के और अपने बच्चों के हिसाब से ले सकती हैं ताकि कभी कोई प्रकार का इलाज का रिक्वायरमेंट हो तो हमें एक बैकअप मिल जाए। इसी प्रकार से आप अपनी लाइफ पर भी, अगर आप अर्निंग मेंबर भी हैं या किसी भी प्रकार से इनकम अर्न कर रही हैं चाहे ट्यूशन से चाहे अदरवाइज, आप एक अपना टर्म प्लान भी ले सकती हैं। टर्म प्लान का क्या बेनिफिट हो सकता है कि अगर हमें भी कुछ हो गया तो ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चों को टर्म प्लान से जो अमाउंट मिलेगी उससे एटलीस्ट उनका आगे का एजुकेशन और एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट किया जा सकेगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज दोस्तों जो आ सकता है एक महिला के समक्ष अगर उनके पति की अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है, ऐसी परिस्थिति में हाउ टू प्रोटेक्ट वेल्थ इनहेरिटेड। जो वेल्थ आपने हस्बैंड से इनहेरिट करी है वो नेचुरली आपकी एवं आपके बच्चों की है, तो उसका प्रोटेक्शन कर पाना यानी उसको इंटैक्ट रख पाना, उसको बढ़ा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं मानता हूं सर कि पहले आपको अपना डेली मेंटेनेंस यानी अपने मंथली खर्चों की व्यवस्था करनी है, फिर अगर आपके पास में कुछ बचता है तो उसको इस प्रकार से सुनिश्चित करना है कि बच्चों के हायर एजुकेशन में, या कल हम जैसे भारतीय व्यवस्था में देखते हैं कि शादियों में भी कुछ हद तक सब्सटेंशियल खर्चे होते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमें एक वेल्थ जो हमने इनहेरिट किया उसको प्रॉपरली मैनेज करने की, प्लान करने की बहुत जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो चाहे चार्टर अकाउंटेंट हो या कोई भी कैपेबल पर्सन हो उनकी हेल्प लें और इस प्रकार से अपनी इनहेरिटेड वेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहें। इनकम टैक्स कंप्लायंस
क्या आपको चाहिए होगी इस संदर्भ में, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि बीइंग अ लेडी हु हैज सक्सीडेड सर्टेन एसेट्स एंड हु मे बी ट्राइंग टू अटेम्प्ट अर्निंग सर्टेन इनकम ऑन हर ओन और विद रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट विच शी हैज इनहेरिटेड, शी हैज टू टेक केयर अबाउट दैट शी इज रेगुलरली फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, कि वो अपनी रिटर्न भी प्रॉपरली भर रही हैं, ठीक है। हालांकि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम तक रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं यूजुअली सबको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई इनकम है, कुछ एफडीज हैं जिनसे इनकम आ रही है, रेंटल है, क्यों नहीं हम अपनी रिटर्न भरें, बिकॉज दैट कैन हेल्प आर किड्स ऑल्सो फॉर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग देयर एजुकेशन लोन एक्सेट्रा। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ लोन या रियल एस्टेट प्रोसीड। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया से जरूरत पड़ने पर, या आपने कोई संपत्ति बेची और बेचने पर कुछ कंसिडरेशन आपको मिला पूरा या कुछ भी हिस्से में, आप 20,000 या उससे ऊपर की राशि नकद नहीं ले सकती लोन के रूप में या रियल एस्टेट की सेल प्रोसीड के रूप में। जैसे ही आप इस लेवल को एक्सीड करती हैं, 20,000 या उससे ऊपर नकद, उतने की पेनल्टी लग सकती है, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट पॉइंट। इसी प्रकार से अगर आपको रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से कोई गिफ्ट आ रहे हैं, तो वो गिफ्ट अगर कैश टर्म्स में है तो मैं कह सकता हूं 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का गिफ्ट हमें एक व्यक्ति से नहीं लेना नकद में। हाँ, आप चेक से ले सकते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी ले सकते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखिए, अगर रिलेटिव से आप गिफ्ट लेते हैं तो एग्जम्प्ट होता है, और नॉन रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं तो टैक्सेबल होता है। मैं एक और सजेशन इस वीडियो के थ्रू देना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ कैश रखा है और आप सोचते हैं कि मैं इस कैश को बैंक में जमा करा लूं, तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है क्या? डिपॉजिटिंग कैश इन सेविंग बैंक अकाउंट इज जनरली नॉट रिकमेंडेड। तो आप उस कैश को प्रयोग करें अपने खर्चे चलाने के लिए, लेकिन अगर आप उस कैश का प्रयोग किसी प्रकार से अपने खाते में जमा कराने में करेंगे, तो आई मस्ट सजेस्ट दैट यू शुड टेक द हेल्प ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु कैन गाइड यू बेटर इन दैट पर्टिकुलर आस्पेक्ट। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि भगवान न करे किसी के साथ ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग आर फाइनेंशियल अफेयर्स, क्योंकि अगर एज ए लेडी आपके फाइनेंशियल अफेयर्स आपने प्रॉपर मैनेज करे हैं, तो आपको बहुत हद तक बहुत सारी टेंशंस खत्म हो सकती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं होना अपने आप में बहुत सारी समस्याओं का कारण है। तो मेरी ये वीडियो मुझे लगता है ऐसी किसी अनफॉर्चुनेट परिस्थिति में काम की हो सकती है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।